भागलपुर के नाथनगर स्थित ललमटिया थाने का कार्य पूर्ण होने के अवसर पर एसएसपी सिटी एसपी समेत कई अधिकारियों ने निरीक्षण किया और नारियल फोड़कर थाने का शुभारंभ किया। एसएसपी ने निरीक्षण के बाद बताया कि थाना भवन बनकर पूरी तरह तैयार है और आने वाले दिनों में इसका उद्घाटन किया जाएगा। एसएसपी ने बताया कि भवन के ऊपर पुलिस बैरक बनाए गए हैं जहां महिला कांस्टेबल सुरक्षित रह सकती है। उनकी सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं और उनके लिए अलग रास्ता भी निर्धारित किया गया है। इस भवन में सभी पुलिस पदाधिकारी रह सकेंगे। इस मौके पर सिटी एसपी राज, सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी, सिटी डीएसपी राकेश कुमार, भागलपुर के डीसीपी संजीव कुमार, इंस्पेक्टर मार्कंडे सिंह, नाथनगर इंस्पेक्टर राजीव रंजन सिंह और ललमटिया थाना अध्यक्ष राजीव रंजन सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। ये ललमटिया थाना का कार्य पूर्ण हुआ है और उस कार्यों का निरीक्षण किया गया और आने वाले दिनों में इसका विधिवत उद्घाटन होगा और तत्पश्चात जो थाना है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और इससे ललमटिया पुलिस को अपने कार्य करने में काफ़ी मदद मिलेगी। और ये थाना G+2 है, इसमें जो टॉप फ्लोर है पूरा महिलाओं के लिए बनाया गया है, उसकी एंट्री भी सेपरेट है और इसमें पदाधिकारियों के और कांस्टेबल्स के रहने की भी पूरी व्यवस्था है, तो उससे पुलिस को कार्य करने में काफ़ी सुलभता होगी। सर, नाथनगर थाना बहुत जर्जर स्थिति में सर और बारिश के समय में बहुत ज़्यादा अंदर तक पानी चल जाता है, सर कब तक होगा? उसके लिए भी मुख्यालय स्तर पर कार्रवाई हो रही है और उसमें G+6 भवन बनाने का प्रस्ताव है, जल्दी उसमें भी आगे की कार्रवाई। भागलपुर सबौर प्रखंड के ममलखा पंचायत के वार्ड 1 में नल जल योजना का जल मीनार महज 10 सेकेंड में गंगा नदी में समा गया, जिससे लगभग 2 दर्जन घरों पर संकट मंडरा रहा है। गंगा के तेज कटाव के कारण सबौर प्रखंड के गंगा किनारे बसे गांव में स्थिति गंभीर हो गई है। रजंदीपुर से शंकरपुर के बीच दक्षिण किनारे पर बसे रजंदीपुर, संत नगर, फरका, इंग्लिश मसाड़ू समेत कई गांव कटाव की चपेट में है। फरका पंचायत के वार्ड 3 और 7 में कटाव का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे स्थानीय लोग काफी भयभीत हैं। ग्रामीणों के अनुसार लगभग 2 दर्जन घर किसी भी समय गंगा नदी में समा सकते हैं। कई परिवारों ने अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण ली है, लेकिन उन्हें सरकारी स्तर पर कोई सुविधा नहीं मिल रही है। भय के साए में जी रहे इन लोगों के लिए जीवन कठिन होता जा रहा है। भागलपुर कहलगांव थाना क्षेत्र में एक 9वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा के साथ बीच सड़क पर मोहम्मद शेरू द्वारा छेड़खानी और मारपीट की घटना सामने आई है। पीड़िता ने बताया कि वह सुबह स्कूल जा रही थी, तभी अचानक मोहम्मद शेरू ने रास्ते में उसे रोक लिया और उसका मोबाइल नंबर मांगने लगा। छात्रा द्वारा नंबर देने से मना करने पर शेरू ने उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती करने और मारपीट करने लगा। घटना के दौरान आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, जिससे शेरू ने छात्रा को छोड़ दिया। इसके बाद शेरू की मां मौके पर पहुंची और धमकी देते हुए कहा कि अगर तुम लड़की होकर मेरे बेटे से मुंह लगाओगी तो मार कर फेंक देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। डरी सहमी छात्रा किसी तरह अपने स्कूल पहुंची और घटना की जानकारी अपने शिक्षक को दी। वहीं स्कूल के प्रधानाध्यापक जब घटनास्थल पर पहुंचे तो शेरू और उसके परिवार वालों ने उनके साथ भी बदसलूकी की। छात्रा ने थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं कहलगांव थाना में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की गई। क्या हुआ था उस दिन? हम स्कूल जा रहे थे, कुछ लड़का था, शेरू नाम का एक लड़का था, वो हमको पर क्या पूरा नाम उसका क्या है? शेरू, मोहम्मद शेरू। अच्छा, उसका पापा का नाम? उसका पापा का नाम उनको नहीं पता। ठीक है, तो वो जा रहा था, हम मतलब कि हम जा रहे थे, वो बोल रहा था हमको कि रुको, तो हम उसको इग्नोर करके हम आगे बढ़ गए। आगे बढ़े तो वो दौड़ के आया और मेरा हाथ पकड़ लिया और हमको कस के था, 2-3 जितना मार सका उतना मारा। फिर हम बोले कि तुम हमको क्यों मारा, जब हाथ छुड़ा लिए तो वहाँ की उसकी मम्मी जो थी और बगल की जो थी वो सब बोलती है तुम लड़की हो के इतना बोलती है, तुमको काट के फेंक देंगे तो तुमको कोई बचाने वाला नहीं है। ये बात कौन बोला था? उसकी मम्मी बोली थी, शेरू की मम्मी। अच्छा, और बगल में जो थे सबको साथ में बोले थे। तो हम वहाँ से कैसे करके भी निकल गए, स्कूल गए तो वहाँ पे मेरी प्रिंसिपल मैम थी और मैम को हम सारा बात बताए तो मैम सर को लेके उस जगह पे पहुंचे, तो जहाँ पे मारपीट हुआ आपके साथ, तो वहाँ पे गए तो वो लोग को जैसे बोले तो वो लोग बोला कि हम कुछ किए ही नहीं है,
मैम से भी वो लोग सही से बात नहीं कर रहे थे, तो मैम वहाँ से फिर बोली क्या कि यहाँ से नहीं होगा पूजा, चलो तुमको थाना ही जाना पड़ेगा, हम आवेदन लिख के देंगे। तो मैम कहाँ पे ये हुआ था घटना? घटना कोतवाली टोला वहाँ पे ही। क्या बोल? कोतवाली टोला। हाँ। वो लड़का कहाँ का है? वो लड़का कोतवाली टोला का ही है, उसी जगह पे रहता है। अच्छा, उसी जगह का लड़का भी है। वो क्या करता है लड़का? लड़का करता है क्या, ज्यादा से ज्यादा नशा करता है और बस ऐसे ही घर में। अच्छा, आपके क्लास वगैरह में नहीं पढ़ता है ना? नहीं, हम लोग के क्लास में नहीं। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? नाइन्थ में। उस दिन के पहले भी आपको वो टॉर्चर करता था? हाँ, पहले कमेंट्स करता था लेकिन हम लोग इग्नोर कर देते थे, लेकिन आज तो हद से ज्यादा लगातार टॉर्चर कर रहा था। कटिहार बरौनी रेलखंड नवगछिया स्टेशन के पास एक बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई। नवगछिया स्टेशन से पहले ही एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। मालगाड़ी को माल गोदाम पर सामान खाली करना था, लेकिन रास्ते में ही यह हादसा हो गया। राहगीरों ने जब ट्रेन को पटरी से उतरते देखा तो तुरंत आरपीएफ को घटना की सूचना दी, जिसके बाद आरपीएफ ने तुरंत स्टेशन मास्टर को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद तेजी से कार्रवाई करते हुए ट्रेन को किसी तरह रोका गया। इस घटना के चलते एक बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई। सुल्तानगंज के असियाचक रामपुर गांव के रहने वाले युवक अभिषेक यदुवंशी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह अवैध हथियार का प्रदर्शन कर रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि अभिषेक यदुवंशी द्वारा कुछ युवकों के साथ केक पार्टी कर रहा है और इसी दौरान एक युवक पिस्टल निकालकर खुलेआम इसका प्रदर्शन कर रहा है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता है, लेकिन इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह के अवैध हथियारों का प्रदर्शन पुलिस प्रशासन के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया है। बता दें कि इस तरह की घटनाएं आजकल आम हो गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि युवाओं में पुलिस का डर कम हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप नई पीढ़ी के युवा अपराध के दलदल में फंसते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर हथियार लहराकर ऐसे युवक समाज में अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे लोग डरकर इनके आगे घुटने टेकने को मजबूर हो जाते हैं। हालांकि सुल्तानगंज पुलिस अभी तक इस मामले में अनजान बनी हुई है। यदि पुलिस इस मामले की गहनता से जांच करती है तो इससे न केवल हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हो सकता है, बल्कि सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में हुई अन्य आपराधिक वारदातों का भी खुलासा हो सकता है। पुलिस को ऐसे युवकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनी रहे। नव पदस्थापित उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह ने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। इस अवसर पर भागलपुर के निवर्तमान उप विकास आयुक्त कुमार अनुराग ने उन्हें पुष्प गुच्छ प्रदान कर उनका हार्दिक अभिनंदन किया। इसके पूर्व डीआरडीए के निदेशक दुर्गा शंकर ने भी पुष्प गुच्छ प्रदान कर नए उप विकास आयुक्त का स्वागत किया। बता दें कि प्रदीप सिंह भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2020 बैच के पदाधिकारी हैं। भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में समीक्षा भवन में तकनीकी विभागों के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पथ निर्माण विभाग और पथ प्रमंडल भागलपुर द्वारा बताया गया कि कबीरपुर रेलवे क्रॉसिंग से NH-80 लेफ्ट आउट में जलापूर्ति पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़क को मोटरेबल बनाया गया है और 15 सितंबर तक सड़क निर्माण हेतु निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उड़को को गोट्टा चौक से करोड़ी बाजार कब्रिस्तान तक के पथ के पुनर्स्थापन कार्य को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया। वहीं पीएचडी पश्चिमी के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि नाथनगर और सुल्तानगंज में बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना की पाइपलाइन का कार्य प्रगति पर है, जिसे जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। NH-83 में पीरपैती 12 पद का 80% कार्य पूरा हो चुका है, जबकि भागलपुर मिर्जा चौकी पद का 35% कार्य पूरा किया गया है। वहीं नगर निगम ने बताया कि भोलानाथ पुल पर निर्माण कार्य प्रगति पर है, जबकि नवगछिया कटरिया पद के बीच आरओबी निर्माण कार्य अतिक्रमण के कारण बाधित है, जिसे अनुमंडल पदाधिकारी सदर के समन्वय से शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया है।